संसदीय दल की बैठक थोड़ी देर में संसदीय दल की एनडीए की बैठक होने वाली है। बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी एनडीए सांसदों को संबोधित करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा भी पहुंच चुके हैं बैठक में शामिल होने के लिए। धीरे धीरे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चला है। यह पुष्टि एनडीए संसदीय दल की बैठक जो सुबह 9:30 बजे होनी है। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, अर्जुन राम मेघवाल, ये भी बताया जा रहा है, शिवराज सिंह चौहान, यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू भी आपको तस्वीरों में निकल आ रहे हैं। तो एनडीए के सहयोगी दलों की आज बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लीड करेंगे, सांसदों से बात करेंगे, कर रहे हैं, चाहे वह एमएसपी को लेकर के बीच हमने देखा कि कल शिवराज सिंह चौहान ने भी, वह राहुल गांधी जब एमएसपी की से जुड़े हुए बात कर रहे थे, उन्होंने एमएसपी को लेकर के भी अपनी बात वह कही थी और साफ तौर पर कहा था कि सरकार ने जो है वो किसानों के हित में एक बेहतर काम किया है। तो निश्चित तौर पर सरकार की ओर से जो है वो जवाब जो है वो लगातार विभिन्न मंचों पर दिया जा रहा है, लेकिन संसद में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर राज्यसभा की बात करें, वहां पर किस तरह से रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए संसदीय दल की बैठक में जो है वो अपनी बात रखेंगे। और इसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है कि आज शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग माना जा रहा है 5 बजे जो है वो लोकसभा में अपने में बात रखेंगे, उस वक्त वो क्या कहते हैं, इसी रणनीति को लेकर के यहां पर एनडीए संसदीय दल की बैठक में चर्चा भी होगी। जी, तो शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इसीलिए इसके पहले सांसदों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम एनडीए के सभी जो घटक दल हैं उनके द्वारा, और उनको प्रधानमंत्री और बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे सांसदों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह हो, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा हो, शिवराज सिंह चौहान हो, कृषि मंत्री, इन सभी लोग पहुंच रहे हैं। और इस बार यही सहयोगी दल मिलकर ही तीसरी सरकार एनडीए की बनाने में पूर्ण सहयोग किया है। और आज जब शाम 5 बजे राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर के बयान दिया था, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें टोका था और कहा था कि हिंदुओं को जो है वो इस तरह से वो नहीं कह सकते, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है वो नहीं किया जा सकता कि आखिरकार हिंसक होते हैं। हालांकि उसके बाद जो है वो राहुल गांधी की ओर से जो है वो सफाई आई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि वो हिंदुओं को नहीं कह रहे हैं बल्कि जिस तरह के बीजेपी पर वो जो है वो इस तरह के आरोप जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि वो हिंदुओं को लेकर के इस तरह की बयान जो है वो दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कल हमारी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से राहुल गांधी जो है वो हिंदू धर्म के प्रति जो है वो बयान देते हैं, क्या वो अन्य धर्मों के प्रति भी वो जो है वो इस तरह के बयान जो है वो दे सकते हैं, इसको लेकर के भी जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री, माफ कीजिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जो है वो बयान में दिया था। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, अमित शाह ने भी उनके विभिन्न बयानों पर जो है वो आपत्ति जताई थी और कहीं ना कहीं सदन में जो है वो लोकसभा अध्यक्ष से मांग की थी कि वो जो तथ्य दे रहे हैं सदन को जो है वो गुमराह करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके जो तथ्य हैं या फिर उनके जो आंकड़े हैं उनको जो है वेरीफाई किया जाए, इसकी बात जो है वो अमित शाह ने की थी। तो निश्चित तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर के जो है वो बयान में दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, राज्यसभा की बात करें, तो वहां पर भी जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया था, सांसदों की बैठक के लिए सभी सांसद धीरे पहुंच रहे हैं उनको संबोधित करने के लिए पीएम मोदी है, उसको लेकर के जो है वो विपक्ष जो है वो कह रहा है कि क्योंकि वो बीजेपी जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये आरोप था कि कहीं ना कहीं जो है अयोध्या वासियों को दूरी में रखा गया। इसके साथ ही साथ जिस तरह से राहुल गांधी पे जब बोल रहे थे तब उन्होंने कहा कि जिस तरह से वहां पर हवाई अड्डे का निर्माण हुआ और मुआवजा जो है वो नहीं दिया गया, तो इसको लेकर के भी जो बयान है या फिर सरकार की ओर से इसको लेकर के सफाई जो है वो दी जाएगी। हालांकि एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जब राहुल गांधी ने बयान दिया उसके बाद हमारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात हो रही थी, अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा कि जो हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था उसको लेकर के लगभग 1200 करोड़ रुपया जो है वो मुआवजा जो है वो जमीन को लेकर के वहां के जो लोग थे उन्हें दिया गया।
तो साफ तौर पर वह सरकार की ओर से हो या फिर बीजेपी की ओर से हो, वो हमें सफाई दी जाएगी कि आखिरकार किस तरह की गलत बयानी जो है वो राहुल गांधी के द्वारा की जा रही है। और इसी चीजों को भी अब से जो संसदीय यह दल की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें जो हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं, संसदीय दल की बैठक शुरू होने से पहले